अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नाज़रीन कराम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत व आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, आज से हम उर्दू खत्ताती सीखने का बाकायदा कोर्स शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले हरूफ तहजी सीखेंगे, फिर दो दो हरूफ का आपस में जोड़ कैसे किया जाता है और चंद हरूफ को मिलाकर लफ्ज़ कैसे बनाया जाता है, ये सब कुछ सबकन सबकन सीखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको इन असबाक से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। नाज़रीन, बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि अब दौर जदीद आ चुका है, सारे का सारा काम कंप्यूटर और लैपटॉप की मदद से किया जाने लगा है, तो अब हैंड राइटिंग सीखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो मैं अपने उन साथियों को कुछ मिसालें देकर बता दूँ। अजीज़ साथियों, दौर जितना भी जदीद हो जाए, आपको हमेशा और हर जगह हैंड राइटिंग की ज़रूरत पड़ेगी। फ़र्ज़ करें आप एक तालिबे इलम हैं, तो आप जब इम्तिहान देने आएंगे तो इम्तिहान को चेक करते हुए सबसे पहले मुमतहिन की नज़र आपकी हैंड राइटिंग पर पड़ेगी और उसी से वो आपकी काबिलियत का अंदाज़ा लगा लेगा और उसी के मुआफिक वो आपको नंबर देगा। इसी तरह फ़र्ज़ करें कि आप एक उस्ताद हैं या मुस्तकबिल के उस्ताद हैं, तो आपको हर सूरत में तलबा को समझाने के लिए ब्लैक बोर्ड या सफ़ेद बोर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर आपकी लिखाई अच्छी होगी तो तलबा को भी समझने में अच्छा लगेगा और आपके अच्छे राइटिंग से आपकी शख्सियत पर एक अच्छा असर पड़ेगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताता हुआ चलूं कि उर्दू खताती सीखने के बाद आप कोई भी ज़बान आसानी से खूबसूरत अंदाज में लिख सकेंगे, क्योंकि आपको कलम पकड़ने का तरीक़ा मालूम हो जाएगा और अंग्रेज़ी, फारसी, अरबी हर ज़बान आसानी से लिख सकेंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उर्दू खत्ताती के जो ख़त हिंदो पाक में सबसे ज़्यादा राइज हैं, वो ख़त नस्तालीक हैं। इंशाल्लाह हम भी इसी ख़त को लिखने की प्रैक्टिस करेंगे और इसी की मशक करेंगे। ख़त नस्तालीक लिखने के लिए कट पेन की या कट मार्कर की ज़रूरत होती है और उसी के साथ साथ चार लाइनों वाली कॉपी की, जैसा कि आसानी से आपको मार्केट में अवेलेबल चार लाइनों वाली कापियाँ मिल जाएंगी। तो आप ये कट मार्कर पेन रखें या ये लकड़ी का कलम आप इसको काट कर बना लें, तो इंशाल्लाह इसी से हम ख़त नास्तालीक को सीखेंगे। नाज़रीन, अब अगली वीडियो से हम आपको तफसील के साथ लिख कर बताएँगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।